बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़े का केक बनने लगा है। ये मैंने पहले घर में ट्राई किया, बहुत मज़े का बना था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इस केक की रेसिपी शेयर करने लगी। बिल्कुल डिफरेंट केक है, तो मेरे बच्चों को तो इतना अच्छा लगा कि इन्होंने तो इसका नाम ड्रीम केक रख दिया। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी मिल्की ड्रीम केक की रेसिपी। इसको खाने के बाद एटलीस्ट आप 3 घंटे तक आपको भूख नहीं लगने वाली, क्योंकि ये इतना कुछ इसमें ना ऑयल भी नहीं हम डालेंगे, ना बटर डालेंगे, फिर भी बहुत टेस्टी केक बनेगा। सबसे पहले मैंने ये देचका लिया है, इसमें मैंने नमक डाला है और ये ऊपर मैंने स्टैंड रख दिया है। इसको हम लोग पहले प्री हीट करने के लिए रखेंगे। इसको ऐसे मैंने कवर कर दिया है और एक मैंने इस तरह आप केक का सांचा इसमें ले लें, या आपने जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। इस स्क्वायर में मैंने लिया है, इसको पहले हम लोग ग्रीस करेंगे ऑयल से। और मेरी दुआ है जिन बच्चों ने मैट्रिक के पेपर दिए हैं, 9th के पेपर दे रहे हैं, वो भी बोर्ड के, तो उन सब के पेपर बहुत अच्छे हों। आमीन। वाकई सन्नान कह रहा है उसके 9th के पेपर हो रहे हैं। सन्नान के जयान ने अपने मैट्रिक के पेपर दे दिए हैं, तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह सबको कामयाब करे। इस तरह हम मैंने इसको ग्रीस कर दिया। अब मैं इसको रख दूँगी साइड पे और अब हम आते हैं अपने केक की तरफ। केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 एग लिए हैं मैंने, 3 eggs इसमें डालेंगे हम लोग और इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। पूरी रेसिपी देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, तो आपको लगेगा, आपको फिर एक एक स्टेप का पता चलेगा और ये केक बहुत मज़े का बनने वाला है। इसको सबसे पहले हम अंडों को अच्छी तरह बीट करेंगे। इस एग को हमने इतना ज़्यादा बीट करना है कि ये इस तरह वाइट हो जाए। इतना इसको आपने फुल बीट करना है कि ये ऐसे हो जाए कि इसकी जो है, ज़रा एक मिनट, ये ऐसे एग बीट होना चाहिए। ये आइसिंग शुगर है 1 कप मैंने ली है। इसमें से मैं 4 टेबलस्पून चीनी के निकाल लूँगी। ये आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्यों निकाले हैं। इसको मैं साइड पे करूँगी। अब ये आइसिंग शुगर के मैं अंडों में डाल दूँगी जो हमने एग बीट किए। ये 1 कप चीनी थी, उसमें से मैंने 4 टेबलस्पून जो है वो निकाले हैं। और साथ ही इसमें मैं ये वनीला एसेंस डालूंगी 1/2 टीस्पून। अब इसको बीट करेंगे। अब इसको बीट कर लिया। अब इसमें मैं ये 1 कप मैंने मैदा लिया है, नजर आ रहा है, 1 कप मैदा लिया है, ये सारा इसमें डालेंगे। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इसको हम मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। इधर मैं स्पीड इसकी कम रखूंगी। अच्छी तरह इसको मैंने बीट किया और इसको फिर अब ये इस तरह होना चाहिए। ये देखें, इसको हम इस तरह टैप करेंगे
बहुत जल जाएगा मेरा। इसको अब हम बेक करेंगे। हमने बिल्कुल इतनी आंच रख के तो हमने केक को बेक करना, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा वरना केक जो है वो आपका जल जाएगा। केक बिल्कुल रेडी है, इसको तैयार होने में पूरा आधा घंटा लगा है। अब केक को हम निकाल लेंगे। केक बिल्कुल तैयार है, ये हमने देचके में बनाया है, इस वजह से इसका ऊपर कलर नहीं आया। ये ऊपर से वाइट है लेकिन ये बिल्कुल ही पक चुका है। केक हमारा बिल्कुल रेडी है। केक को हम ठंडा करेंगे, और जैसे कि इस केक का नाम है मिल्की केक, तो हम इसके लिए अब एक अलहदा से एक बनाएंगे, इसका मिल्क के साथ एक सॉस बनाएंगे, तो देखें वो किस तरह बनेगी। ये मैंने हाफ कप ये मैंने क्रीम का लिया है, ये क्रीम मैंने ली है, हाफ कप मैंने क्रीम का डाला है, और ये जो मैंने 4 टेबलस्पून जो मैंने शुगर के निकाले थे ये मैं इसमें डाल दूंगी। और पूरा 1 कप जो है वो इसमें दूध का जाएगा, 1 कप अब मैं इसके अंदर दूध का डालूंगी, क्रीम चीनी और दूध, और ये चीजें क्रीम और दूध ठंडा होना चाहिए। बस इसको मैं डाल के मिक्स करके, तो जब केक ठंडा हो जाएगा तो ये उसके ऊपर डालेंगे हम लोग। इसको मिक्स करके मैं अब इसको फ्रिज में रखूंगी, तब तक केक भी ठंडा हो जाएगा, और ये दूध और क्रीम जो और चीनी मैंने मिक्स किए ये और अच्छी तरह ये और ठंडे हो जाएंगे। और अब हम कैरेमल सॉस तैयार करेंगे। ये सबसे पहले केक ठंडा हो गया, इसको हम निकालते हैं। बहुत इजीली निकला है केक। इतना सॉफ्ट केक बना है, अब इस केक को हम इसी तरह इसमें वापस में रख दूंगी। आधा कप मैंने चीनी ली है, और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम आप रखेंगे, ज़्यादा नहीं, इसको तेज़ आंच में नहीं हम रखेंगे। और इसको अब हम लोग पकने देंगे। इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, सिर्फ इसमें चीनी डाली हुई है, और ये चीनी जब जैसे इसे मेल्ट होना शुरू होगी तो इसको साथ साथ हम चम्मच से हिलाते जाएंगे, और इसके पास से हटना नहीं है, चीनी को हमने जलने नहीं देना। ये कैरेमल सॉस तैयार हो रही है, तो ये लाइट सा इसका कलर होगा, अगर ये जल गई तो आप कैरेमल सारी ख़राब हो जाएगी। हम केक में इस तरह कर लेंगे, इसमें अच्छी तरह हम अब दूध चीनी और क्रीम का जो मिक्सचर तैयार किया था वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। ये देखें कितनी जल्दी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया।
और ये सारा ही इसमें डाल देना है। जब हम इसको अच्छी तरह चीनी मेल्ट होने लगेगी तो बिल्कुल पास खड़े रहना है और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। ये देखिए बिल्कुल जो है वो चीनी इसमें हल हो चुकी है। और इसमें मैं अब हाफ कप जो है वो मिल्क पैक का ये क्रीम का डाल दूंगी। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये कुछ सेकंड के लिए बस हमने मिक्स करना है। और ये सॉस हमारी तैयार है, ये देखें ये कैरेमल सॉस अब इसके ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर एक पतली सी बस हम लेयर लगाएंगे, कुछ भर भर के नहीं इस पे डालेंगे। और अब इस केक को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। सॉरी, केक तो ठंडा ही है लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि हमने इसको हम 2 घंटे के बाद मैं इसको काटूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसा बना है, ताकि इसके अंदर जितना भी हमने मिल्क डाला है वो सारा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और एक एक बाइट में जो है वो केक का आपको पूरा टेस्ट आए। तो फिर इसको मैं भी रख देती हूँ, तो 2 घंटे के बाद इसको हम कट करेंगे। तो आज का मेरी केक आपको कैसा लगा, मिल्की केक? तो मेरी चैनल आप ज़रूर इस केक को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबाएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं हम किसी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।